हेलो एवरीवन, मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ कैंट आटा मेकर को अनबॉक्स किया था और मैंने कहा था कि मैं आपके साथ सारी रेसिपी शेयर करूंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रेसिपी आटा बनाना है, वो आज हम शेयर करते हैं। इसके लिए नीडिंग पैन में पानी डालेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आटा डालेंगे। जो इसके साथ यूज़र मैनुअल मिली थी उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कितने आटे में आप कितना पानी डालेंगे। इसमें ये तो मैं 250 ग्राम आटा गूंद रही हूँ, इसमें आप 1 केजी तक आटा बहुत ही आराम से गूंद सकते हैं। अगर आपने मेरा अनबॉक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर मेरा अनबॉक्स वाला वीडियो देख सकते हैं। अब हम इसको पैन को मशीन में रख देंगे और बस इसको कवर कर देंगे। अब हम चपाती आटा सेलेक्ट करेंगे और मशीन को ऑन कर देंगे। देखा कितना सिंपल है, मशीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, आटा गूंदने लगा है। अब हम इसको कवर कर देंगे और 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 8 मिनट बाद हम इसको खोल के देखते हैं, देखिए हमारा कितना अच्छा सॉफ्ट मुलायम आटा गूंद के तैयार हो गया है। इसमें सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कोई भी रेसिपी बनाएंगे तो पानी सबसे पहले डालेंगे। अब इसमें हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, वैसे तो जो बुकलेट में रेसिपी दी है उसमें उन्होंने 1 स्पून ऑयल डालने के लिए रिकमेंड किया है, लेकिन मैं ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, मैं विदाउट ऑयल आटा गूंदती हूँ। तो बस हल्का सा फिंगर्स के टिप पर ऑयल लगा लेती हूँ, रिफाइंड ऑयल, और आटा ईजिली निकल आता है। ये देखिए कितना ईजिली आटा निकल आया और पैन भी बिल्कुल क्लीन है, आराम से क्लीन हो जाता है। इसका जो कोटिंग है नॉन स्टिक, बहुत ही अच्छी कोटिंग है। ये देखिए गूंद के आटा बिल्कुल तैयार है, कितना सॉफ्ट, कितना अच्छा आटा है। अभी मैं आपको इसको प्रेस करके दिखाती हूँ। इसी आटे से मैं अपने प्रेस्टीज रोटी मेकर से रोटी बनाती हूँ, जो बहुत ही अच्छी बनती है, और मैं सारी रेसिपी शेयर करूँगी, आटा मेकर की भी एंड रोटी मेकर की भी। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए। ओके, टिल देन, बाय।